मेरा जल्दी निकल जाता है या चिपचिपा पानी आता है, क्या करूं? ऐसे सवाल लेके काफी बच्चे हमारे पास में आते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लड़कों की ये कंप्लेंट रहती है कि मुझे चिपचिपा पानी आता है और उसको ये लगता है कि ये वीर्य है, ये धातु है। एक्चुअली होता यह है कि लड़की के साथ में बात करते करते, फोन पे बात करो या आसपास में बैठे हाथ में हाथ लिया या फोर प्ले कर रहे हैं, तो शुरू में चिपचिपा पानी निकलता है जो ऐसा स्टिकी रहता है प्रीकम। तो ये एक्चुअली वीर्य नहीं रहता है, ये अंदर जो पेशाब की नली है उसके अंदर के बाजू में काउपर्स ग्लैंड नाम की ग्रंथि रहती है, तो उसका सिक्रीशन होता है। और ये सिक्रीशन ऐसा चिपचिपा, मतलब चिकट ऐसा जैसा हो जाता है, स्टिकी रहता है और वो थोड़ा निकलता है, मतलब आधा ml होगा ज्यादा से ज्यादा। और ऐसा कोई उस वो जर्क के साथ निकलता नहीं है, जैसा वीर्य जर्क के साथ में निकलता है, झटके से निकलता है वीर्य, ऐसा वो जर्क के साथ वो धीरे 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 ऐसा थोड़ा 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 बूंद बूंद निकल जाता है। फिर ये इसका काम क्या है, ये क्यों निकलता है, इसका काम क्या है? इसका काम ऐसा है कि यूरेथ्रा में, मतलब पेशाब की नली और वीर्य की नली एक ही है, अंदर पेशाब की नली में हो सकता है कि पेशाब थोड़ी सी बची हो और उसमें से यदि हमारा वीर्य निकलता है तो स्पर्म जो है, मतलब शुक्राणु, तो वो मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेशाब एसिडिक होती, और एसिडिक रहने के बाद फिर वो समझो बूंद बूंद कुछ पेशाब पेशाब के नली में अंदर है और उसमें से अभी वीर्य जा रहा है, तो हो सकता है कि स्पर्म मर जाएंगे, और मरा हुआ स्पर्म बाद में काम में आएंगे नहीं बच्चा पैदा करने के लिए। तो फिर क्या हो रहा है, वो पहले चिपचिपा पानी निकलता है जिसको प्रीकम बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो पहले यूरेथ्रा को साफ सफाई का काम करता है, रास्ता साफ करता है, मतलब पीछे आने वाला धातु जो है, पीछे आने वाला वीर्य जो है, उसका रास्ता क्लीन करता है, वो जो एसिडिक रास्ता है उसको न्यूट्रल कर देता है, एसिडिक लेवल कम कर देता है, तो उससे स्पर्म का जीवित रहना पॉसिबल है, फिर स्पर्म के ऊपर उल्टा असर नहीं होगा, तो इसका फायदा ये है। नंबर दो है कि वो चिकना रहता है, चिपचिपा रहता है, तो वो निकलने से क्या होता है कि लिंग जो है वो चिकना बन जाएगा, और यदि वो चिकना लिंग है तो वो लुब्रिकेशन का काम करता है, चिकनापन आता है, तो चिकनापन यदि आ गया तो फिर चिकनापन आने के बाद में लिंग का प्रवेश योनि में जल्दी आसानी से हो जाएगा। स्त्री को भी पहले चिकना चिपचिपा पानी निकलता है, उससे भी उसका जो लुब्रिकेशन होता है नीचे वजाइना में, उससे भी लिंग अंदर जाता है जल्दी, और ये प्रीकम जो है, ये चिपचिपा पानी जो शुरू में निकलता है उससे भी अंदर जाने में सहायता होती है, चिकनापन आता है और वो अंदर चले जाएगा। यदि वो प्रीकम नहीं आएगा, यदि ये चिपचिपा पानी नहीं आएगा, तो लिंग का अंदर प्रवेश होना मुश्किल होगा, होगा नहीं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि योनि जो है वो ड्राई रहती है, औरत की योनि, वहाँ गीलापन नहीं होता शुरू में, या फिर इधर वो प्रीकम निकलता नहीं है, इधर भी गीलापन नहीं है, तो लिंग का प्रवेश योनि में होता नहीं है। तो लिंग का प्रवेश योनि में होने के लिए ये प्रीकम, मतलब ये चिपचिपा पानी आधा ml होना जरूरी है, झटके से नहीं आता है, आराम आराम से आता है, और वो वीर्य नहीं है। फिर इसमें धातु, ये धातु नहीं है, तो फिर इसमें शुक्राणु हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं शुक्राणु, शुक्राणु हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो फिर वीर्य निकलने के पहले ही, समझो चिपचिपा पानी आया हुआ है, योनि में लिंग का प्रवेश किया और सेक्स कर रहे हैं, और वो सोच रहे कि अपना वीर्य निकलने के पहले अपन बाहर निकालेंगे और बाहर वीर्य का स्खलन करेंगे ताकि बच्चा होगा नहीं। कुछ लोग ये भी मेथड वापरते हैं कि भाई सेक्स करो, सेक्स करते करते वीर्य निकलने के पहले लिंग को बाहर निकाल लो, टेकआउट मेथड, पुल आउट मेथड, और उसमें फिर वीर्य का स्खलन बाहर करो ताकि प्रेगनेंसी होंगी नहीं। मगर अभी ये मेथड में ऐसा पाया गया है कि 41% स्त्रियों में प्रेगनेंसी के चांसेस हो गए थे, एक स्टडी में ऐसा पाया गया 41%। क्यों? क्योंकि वो प्रीकम जो है शुरू में जो आता है चिपचिपा पानी, उसमें स्पर्म हो सकते हैं। तो फिर बच्चा यदि आपको नहीं चाहिए तो पहले से ही कंडोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब वीर्य आएगा झटके में आखिरी में तब बाहर निकालेंगे, नहीं, पहले से ही कंडोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर वो चिपचिपा पानी आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कंडोम में ही रहेगा अंदर, वो अंदर जाएगा नहीं। ये जो चिपचिपा पानी आता है, जैसा आप ये समझ के चलो कि आपको भूख, बहुत भूख लगी हुई है, बहुत भूख लगी है, खाना अच्छा आपको जो भाता है वो खाना सामने, अच्छा अच्छा खाना लाया हुआ है, तर्री वाली सब्जी है या जो आपको अच्छा लगता हो सामने लाया है, तो नेचुरल है कि मुंह को पानी आएगा। वैसे ही ये है कि भाई मुंह को पानी क्यों आता है, क्योंकि जो बाद में खाना आने वाला है उसका उसका चबाना, उसका
बराबर उसका तैयार पेस्ट तैयार करना और निगलना, उसके लिए वो चिपचिपा पानी मुंह में आता है, उसको सलाइवा बोलते हैं। वैसे ही ये चिपचिपा पानी आता है ताकि बाद में जो प्रवेश है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें कोई गलत नहीं है, नॉर्मल है। और ये आ गया तो वो कोई स्खलन होता नहीं है, मतलब स्खलन नहीं है। चिपचिपा पानी निकलने से लिंग की कठोरता जाती नहीं है, लिंग की कठोरता वैसी रहती है। हाँ, वीर्य निकलने के बाद में लिंग की कठोरता चले जाती है। तो चिपचिपा पानी आया तो नॉर्मल है, इससे कुछ करना नहीं है, इसका इलाज करना नहीं है। कंडोम वापरना वो जरूरी है, नहीं तो प्रेगनेंसी के चांसेस पूरे बनते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो आपको लगता है कि उनमें काम में आएगा। काफ़ी सारे लड़के लोग हैं बहुत परेशान रहते हैं, चिपचिपा पानी आ रहा है, तो उनको शेयर करो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक दी हुई है, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। उसमें हमारे सभी जो वेबिनार्स है उसके बारे में जानकारी रहती है, और वो जानकारी आपको काफ़ी काम में आएगी। हमारे फ्री वेबिनार्स रहते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।